मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौसम में 10 दिन बाद एक बार फिर करवट ली है। आज मंगलवार 20 अगस्त को दोपहर 11 बजे से शुरू हुई बारिश ने गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय लो प्रेशर एरिया के कारण अगले 2-3 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि बुधवार से तेज बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। छतरपुर, अशोकनगर, सतना, बालाघाट, धार, खरगोन, देवास, खंडवा और बुरहानपुर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में आज सुबह से बारिश हो रही है, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया है। पिछले 10 दिनों से बारिश की कमी के कारण गर्मी ने कहर बरपाया था और कई जिलों में तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया था। सोमवार को नर्मदापुरम, उज्जैन और नरसिंहपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री के पार रहा। भोपाल में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री, गुना में 33.1 डिग्री, रायसेन में 33.4 डिग्री, रतलाम में 33.6 डिग्री, खजुराहो में 33.8 डिग्री, रीवा में 33.4 डिग्री और सीधी में 33 डिग्री दर्ज किया गया। इस बार प्रदेश में मॉनसून का असर बेहतर रहा है। 21 जून को मॉनसून की शुरुआत हुई थी और 28 जून तक पूरे प्रदेश में मॉनसून पहुंच चुका था। जुलाई में अच्छी बारिश हुई और अब तक 76% बारिश हो चुकी है। जबलपुर संभाग बारिश के मामले में सबसे आगे है, जबकि मंडला में 42 इंच और सिवनी में 41 इंच हो चुकी है। भोपाल नर्मदापुरम संभाग में भी स्थिति अच्छी है, जहां भोपाल में 33 इंच बारिश हो चुकी है, जो कि 90% कोटा है। मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त से अच्छी बारिश का दौर शुरू होगा और 22-23 अगस्त को अधिकांश जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान मुरैना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, मऊगंज, छिंदवाड़ा, बालाघाट, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में तेज बारिश की संभावना जताई गई है।